डींग के गांव बारावली में रविवार की रात खेत पर गए किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसआई निरंजन के अनुसार ग्रामवासियों का कहना है कि गांव बारावली निवासी तारा सिंह 45 वर्षीय पुत्र लाल सिंह जाट गत दिनों ओलावृष्टि से हुए फसल को नुकसान के चलते बहुत परेशान था। रविवार की रात वह घर की फसल की रखवाली करने खेत पर गया। रात में फसल खराबे के सदमे के चलते हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुबह परिजन जब कलेवा लेकर खेत पर गए तो उन्होंने तारा सिंह को खत पर मृत नहीं मिला। खेत पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंच गए और सबको अस्पताल लेकर आए, जहां पर तारा सिंह के शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है, वह अपने पीछे एक मात्र पुत्री को भगवान भरोसे छोड़ गया है। पुलिस ने मृतक के शव को रेफर कर चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करा गांव शहरवासियों के सुपुर्द कर दिया है। जो यह मोर्चरी में सफर था हुआ था, परिजनों से पता किया तो हार्ट अटैक की मृत्यु होने बताया, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर और मर्ग दर्ज उनकी रिपोर्ट ले ली गई है, जिस पर मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की गई। रात में सड़क गए खेत पे सोने गए थे तारा सिंह, तो वहाँ सोते नहीं कुछ नुकसान हुआ जमीन का, फसल का नुकसान होने के बाद में ही इनको कोई ऐसी हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, था उससे अटैक हो गया। सुबह गए थे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जाते ही चाय लेके गए बच्चे, चाय लेते लेते तो आए वहाँ देखा सो रहा है वहाँ देखा तो कुछ नहीं, गांव बस्ती के गए सारे वहाँ खेत पे। गांव बस्ती के जाने के बाद में वहाँ देखा तो डेड थे तारा सिंह। अच्छा, तो उनको ठीक अस्पताल लेके आए, फिर उनको होता वहाँ से गांव में मतलब अपना समाज जुड़ी वहाँ सारे चीज आए थे इंसान, तो वहाँ जाके ये बोले उनको पोस्टमार्टम कराइए या तो उसकी वाइफ भी नहीं है, पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं, उनकी एक बच्ची है खाली उनकी, तो कोई हो सकता है कोई हेल्प सहायता मिल जाए गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी बात है।